हेलो हेलो ऑल माय रॉकस्टार्स वेलकम टू विदानतु यंग वंडर्स दिस इज अमित अरोरा योर मास्टर टीचर फॉर इंग्लिश एंड कैसे हैं मेरे सारे रॉकस्टार्स ओके पीपल आज का दिन अमित से लेकर आए हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल छोटा सा क्यूट सा वेरी रिलेटेबल चैप्टर दैट इज द शेड सीबीएसई 7 गेट सुपर एक्साइटेड बेटा ये सब आपने फील किया हुआ है और अभी भी फील करते हो दैट इज व्हाई इट इज सो #रियल चलो आज के सेशन में क्या करेंगे पहले पहले अमृत सर आपको देंगे पूरी की पूरी पोएम की समरी देन पीपल वी विल लुक एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम व्हाट इज द मैसेज

chalo people तो my name is amit rora and you know that and remember each and every one of you watching me right now is my reader is my writer is truly my achiever

बेटा आज का वर्ड ऑफ द डेड्रस हिंड्रस मतलब प्रॉब्लम तो थिंग दैट प्रोवाइड रेसिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन टू मेजर प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो ठीक है तो बेटा इट मींस ऑब्स्टेकल बैरियर रोकना बाधा ऑपोजिट मतलब हेल्प और एडवांटेज इजी होना द फ्लड्स happening बेटा ये की हालत हालत अभी जैसे मेरी है ट्रस्ट मी आई वांट टू डू कैट्स आर नॉट एबल टू टेस्ट एनीथिंग दैट इज स्वीट कैन यू इमेजिन सुपर कूल आई नेवर न्यू दैट चलो लेट्स गेट द समरी ऑफ शेड क्या होता है शेड ना इज अ सॉर्ट ऑफ अ स्टोर रूम ठीक है ये घर के बाहर होता है शेड में जनरली uh, गार्डनिंग के टूल्स कंस्ट्रक्शन के टूल्स घर के बड़े बड़े थिंग्स एंड स्टोरेज की चीजें रखी जाती है सो बॉटम ऑफ द पोएट्स गार्डन ना मतलब एंड ऑफ द पोएट्स गार्डन तो बेटा फॉरेन में ना घरों में गार्डन होते हैं और गार्डन के अंत में जाके हमेशा अंत में एक शेड होता है टूल शेड जिसको बोलते हैं ना पोएट जस्ट वॉन्ट्स टू विजिट इट बिकॉज पोएट इज लाइक जाऊंगा तो सभी पोएट छोटू सा है बच्चा है ठीक है शेड में तो क्यों जाएगा बच्चा उसकी कोई काम की चीज नहीं है ना टॉयज है ना कुछ है बट येट द पोएट वॉन्ट्स टू पीपल दिस क्यूरियोसिटी जो आप में भी है हम में भी है ओके okay? अच्छा तो बेटा अभी देखो अभी शेड मतलब जहाँ पे कोई जाता नहीं है अगर जाते भी है लोग तो उसकी साफ सफाई तो स्कोप ही नहीं है क्योंकि उसमें खाली चीजें डालती जानी है डालती जानी है ठीक है सो पीपल इज अ स्पाइडर्स वेब ऑन द डोर ऑफ द शेड हैपीली ठीक है एंड इट्स हिंजिस हिंजिस बेटा होता है जो जॉइंट्स ऑफ द डोर होते हैं देखो जो डोर खुलता है ना ऐसे करके दे हैव बिकम रस्टी फुल रस्ट हो गए एंड दे क्रीक क्रीक मतलब बेटा बहुत डरावनी आवाज करते हैं तो तो घर है, से भी दूर है ऊपर तो से मकड़ी पीपल लेट इतना है, है चलो द पोएट ऑफ थिंक्स अबाउट इट फायन दिस बीपल अभी ये देखो इनोसेंट बचपन ठीक है सो so, ऐसी जो चीजें जहां पर हम कभी जा नहीं सकते यहाँ गए नहीं है डोन्ट वी थिंक अबाउट इट एंड डोंट वी थिंक लाइक वहां जाएंगे यार वो चीज को तोड़ेंगे या देखेंगे ठीक है सो ना ऑन एक तरफ शेड के है देर इज अ डस्टी विंडो एंड वो भी बेटा डस्टी विंडो मतलब के ऐसे करके विंडो होती है ना चार भाग उसके भी तीन विंडो पेन ब्रोकन है तो ये ये और ये समझ लो ये भी टूटे हुए हैं एक खिड़की है खिड़की में चार पेन है उसमें भी तीन टूटे हुए हैं इतनी बुरी हालत है शेड की बाप रे तो पीपल पोएट को ऐसा लगता है पीपल और दिस इज टिपिकल बचपने का Thoughts जो आपको भी आते हैं मुझे तो 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 अभी तक आते हैं. कोई यार. ठीक है. So people, ये ब्रह्म है लेकिन ये ये लेकिन हमको सोचते भी हमको कभी कभार ऐसे लगता भी है कोई तो अंदर से मुझे घूरता है एंड वेन एवर द पोएट विजिट पोएट इज लाइक मैं तो ढूंढूंगा भाई कौन है कौन है तू सोपल so लेकिन दिस आल्सो कि की इमेजिनेशन ओपी लेवल है जो पीपल बच्चों की होती है चलो हो लिरिक पीपल सोच समझ के आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर प्लीज वीडियो को पॉज करके सोचो लाइव चैट में स्वैम करो एंड कॉमेंट्स में स्पैम करो लेकिन आंसर करो कर लिया दिखा दिया दिखा दिया आंसर आई एम शोइंग आंसर इन थ्री एंड टू

अभी पोएट का जो ब्रदर है पीपल दिस इज टिपिकली ब्रदर सिस्टर बिहेवियर जो आपसे बड़े होते हैं इनफॉर्म से शेड में तो भूत है एंड अगर तू गया ना तो देखना तेरा सर काट देगा भूत बेस्ट है पीपल अच्छा इसके दो चीजें पहली बात तो उसको डराना छोटे बच्चे को दूसरी बात उसको शेड से दूर रखना अभी देखो बेटा शेड थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि उसमें चीजें गिर सकती है उसमें कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है बच्चा कोई चीज को, को हार्म कर सकता है वाइसिमल

ऐसा होता है ना जो चीज के लिए आपको बोला जाए मत करो आप वही करते हो जान के करते हो हमको बोला है उसको हाथ मत लगा वो गर्म है हाथ तो लगाएंगे उश लगे भले गर्म फिर सो पीपल दिस इज टिपिकल चाइल्ड भैया ने बोला है मत जाओ भूत है मतलब भूत नहीं है भैया है भैया को वहां पे अपने लिए करना अपने मजे करने हम भी जाएंगे सो पीपल टिपिकल टिपिकल रिलेटेबल है द पोएट नो लॉन्गर फील्स नाउ पीपल पोएट सडनली बिकम्स बिग भैया ने बोला ना भूत है भैया ने मक्का मस्ती की है तो अंदर कोई नहीं है कोई नहीं है और हियर्स एनी स्ट्रेंज नॉइस कमिंग फ्रॉम द शेड अभी तो मतलब पोएट इज Poet is like, ना कोई भूत है पोएट इज चूजिंग टू इग्नोर इट पहले क्या था वो दिखे होता था पोएट को पीपल बिकॉज दीपल मकड़ी का जाल स्पाइडर वेब इज प्रैक्टिकली इनविजिबल इट इज ट्रांसलूस It is translucent, not transparent, not opaque. तो अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा एंड नाउ सडनली पोएट नहीं है तो तो रेडी हो गया हो चलो बेटा बताओ द चाइल्ड विशेष टू ओपन द शेड वॉट ट्रीट वॉट क्वालिटी ऑफ द चाइल्ड यहाँ पे पता चलती है ओपन माइंड है क्यूरियस है फ्री माइंड है के हिस्ट्री है पीपल आईव ऑलरे टोल दिन द फर्ट लाइट

हो गया पोएम चलो तो बेटा इस पूरी पोएम का थीम क्या है वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज द द सेंट्रल मैसेज इज रैशनैलिटी लॉजिक एंड फेयरलेसनेस बेटा देखो आपको डर को बुलाना पड़ेगा अगर हर चीज से डरोगे भागोगे तो फिर डर डर और बढ़ेगा द पोएम टीचेस अस दैट वी शुड नॉट बिलीव इन बेसलेस एंड इमेजिनेटिव स्टोरीज डरना पढ़ना बंद करो सोचना बंद करो अबाउट गोस्ट एंड अदर सुपर ने पीपल फॉर देर ओन बेनिफिट तो ये यू you नो know, मन घड़त कहानियां भूतनाथ की कहानियां वहां पे कोई है आवाज है कोई देखता है आवाजें आती सब मन घड़त है इट्स द विंड इट्स द एयर दैट्स ऑल ठीक है चलो पीपल मोस्ट इंपोर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस छोटा सा वीडियो है विल गेट डन वेरी सुन ऑनोमेटोपिया तो बेटा ऑनोमेटोपिया मतलब साउंड वर्ड hinges are rusty and creak एनी साउंड वर्ड दैट आई buzz of a bee uh, hiss of a snake इट्स अ साउंड ऑनोमेटोपिया पर्सनिफिकेशन है ठीक है तो बेटा एट्रिब्यूशन ऑफ ह्यूमन टू एनिमल्स एंड नॉन लिविंग मतलब ह्यूमन की क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन नॉन ह्यूमन कैन बी लिविंग नॉन लिविंग स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सो पीपल फैक्ट दैट यू आर यूजिंग हिज फॉर द स्पाइडर तो आप एक प्रोनाउन दे रहे हो एक इंसेक्ट uh, को दैट मीन पर्जोफिकेशन चलो पीपल एलिट्रेशन है एलिट्रेशन क्या है रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्जोन साउंड दो या तीन लाइनों में लेकिन एट द बिगिनिंग खाली कॉन्जोन मतलब क ख गो पीपल आई लाइक एंड लिसन ठीक है तो समेरिंग

चलो वी विल लेट्स लुक एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी रस्टी मतलब बेटा जो वो सड़ जाता है जिसको जंग लग जाती है करोडेड क्रीक मतलब कि ना बहुत डरावनी आवाज निकालना हिंजिस मतलब कि बेटा दरवाजा जो होता है उसको जो जॉइंट आप कनेक्ट करते हो तो दरवाजा ऐसे ऐसे करके खुल सकता है स्टेयरिंग मतलब कि घूरना पीक मतलब कि चुपके से देखना ठीक है डस्टी मतलब फुल ऑफ डस्ट क्रैक्ड मतलब कि टूटा हुआ चलो

वो बहुत दूर है उसके हिंजेस भी रस्टी है स्पाइडर का वेब भी है कोई घूर भी रहा है जाना ज़रूरी है अगला सवाल वॉट डिड द स्पीकर का ब्रदर ट्राई टू स्केर द पोएट ऑसम इजी पीजी है लेट्स लुक एट द आंसर तो बेटा देखो स्पीकर के भैया जी ने बेसिकली बोला क्या अरे भूत है Presence of a ghost inside the shed with an intention to keep him away. Intention मतलब उसका main idea था ये दूर रहे इस shed में जाए नहीं तो best बोल दो कि अंदर भूत है ठीक है अच्छा मतलब कि अगर तू गया तो देखते ही तेरा सर काट देगा भूत व्हाट अ स्टोरी मतलब अल्टीमेट भूत डराएगा भी नहीं धमकाएगा भी नहीं सीधा सर काट देगा मतलब हद पार है. चलो इसी के साथ आगे आपका होमवर्क का सवाल वाई डू यू थिंक ग्लास विंडो ब्रोकन बेटा ये थोड़ा क्रिएटिव और इमेजिनेटिव सवाल है सो आई यू टू रीड द अमित सर के सेशन आ जाएंगे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ऑन द सेम डे दैट दीडियो गो थ्रू करके लिखना ट्राई गिविंग मी आंसर इन एटलीस्ट ट्वेंटी टू थर्टी वर्ड्स एंड मेरे फर्स्ट एंड जॉक स्टार्स जो सही उत्तर देंगे अच्छा आंसर देंगे मेरे कॉमेंट सेक्शन में उनका नाम आई विल टेक इन माई नेक्स्ट टाइम ठीक है चलो सो पीपल इसी के साथ वैसे तो यू नो दिस बट एनरोलमेंट का आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं बिकॉज आई सेट आई विल नॉट टेक टू मच टाइम तो बेटा ग्रेड सेवन वालों आपको भी पता है तीन प्रोडक्ट्स ए आई लाइव लाइव प्रो लाइफ एंड क्लासिक बेटा इसमें भले ही एम टीज विल बी रिकॉर्डेड एंड इसमें भले ही एम टीज मास्टर टीचर्स विल बी लाइव रिमेंबर यू गेट लाइफ क्विज ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज असाइनमेंट एंड स्टडी मटीरियल का यहां पे आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा एंड यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी मिलेगा यहाँ पे बेटा आपको डाउट सॉल्विंग का एप मिलेगा जिसपे आप दिन रात डाउट पूछ सकते हो तो एनरोल कैसे करना है एवरी थिंग इज कॉस्टिंग यू एट थाउजेंड वन हंड्रेड विच इज द बेसिक प्रोडक्ट एंड यू जस्ट नीड टू ऑल्सो मे बी इफ यू वॉन्ट सेंड एस एंड एस एम एस व्हाट्सएप विद डिटेल्स माई टीम रीच आउट टू यू चलो पीपल मेरा कूपन कोड एआर वाई लगेगा हर जगह पे दिखा देता हैं आपको एनरोल कैसे करना है तो बेटा यूट्यूब पे अमित सर का वीडियो चल रहा है पहले पहले जाके लाइक बटन दबा देना बेटा सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर दबा देना ठीक है यहाँ पे आके योर ग्रेट सेवन का आपको लिंक पे क्लिक करना है

चलो पीपल इसी के साथ आई विल नॉट टेक टू मच टाइम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग से पहले लाइक like और सब्सक्राइब करके जाना डेफिनेटली इन द कमेंट सेक्शन में होमवर्क करके और कौन से ऑल दब्जेक्ट मिड टर्म का मेगा रिविजन राइटर्स तो कहीं जाना मत धमाल और धूम मचने वाला है स्टेट्यूड प्लीज टेक केयर प्लीज बी मीट अगेन